प्रश्न एक है, 92वां ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया अंधाधुन, बी आर्टिकल 15, सी पद्मावत, डी गली बॉय। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गली बॉय। गली बॉय के डायरेक्टर जो जोया अख्तर हैं। प्रश्न दो है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है ए चार्ल्स लेक्लर्क, बी सेबेस्टियन वेट्टल, सी लुइस हैमिल्टन, डी उल्टारी उल्टास। तो यहाँ पर क्या होगा, सेबेस्टियन वेट्टल। तो सेबेस्टियन वेट्टल क्या चलाते हैं, ये चलाते हैं फिरारी, और उल्टारी उल्टास क्या चलाते हैं, ए मर्सिडीज। उल्टारी उल्टास मर्सिडीज चलाते हैं और सेबेस्टियन वेट्टल फिरारी के से ड्राइव करते हैं। प्रश्न तीन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की जो थीम है वे है साइन लैंग्वेजेज राइट फॉर ऑल। प्रश्न चार है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? ऑप्शन ए दिया गया है 2017, बी 2018, सी 2015, डी 2019। तो सबसे गर्म वर्ष 2019 रहा। यह रिपोर्ट WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर मौसम विज्ञान संस्थान जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पाँच है, एनजीओ साहिल के द्वारा संकलित रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में 6 महीने में 1300 से अधिक बाल यौन उत्पीड़न के मामले हुए हैं? ऑप्शन ए है भूटान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाकिस्तान होगा। इन महीनों के दौरान 729 लड़कियों और 575 लड़कों का किसी न किसी प्रकार से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। ये देखिए, पाकिस्तान के मौलवी साहब हैं जिन्होंने 12 वर्ष के लड़के का रेप कर दिया था। क्वेश्चन सिक्स है, भारतीय रेसलर दीपक पुनिया ने वर्ल्ड रेस्टलिंग चैंपियनशिप कितने किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन दिया गया है 86 किलोग्राम वर्ग, बी 63 किलोग्राम वर्ग, सी 75 किलोग्राम वर्ग, डी 55 किलोग्राम वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 86 किलोग्राम वर्ग।
ए हैं दीपक पुनिया जी। दीपक पुनिया चोट की वजह से फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। क्वेश्चन 7 है, भारत के किस राज्य में वनों के आसपास के क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए बायोफेंसिंग के उपयोग करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये देखिए बायोफेंसिंग है। बायोफेंसिंग पौधों और झाड़ियों की पतली या सकरी पट्टीदार लाइन होती है जो कि जंगली जानवरों के साथ साथ हवा के तेज झोंकों और धूल आदि से भी रक्षा करती है। प्रश्न 8 है, इनमें से किस माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉगिंग साइट ने चीन के 4302 फर्जी न्यूज अकाउंट बंद कर दिए हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी ट्विटर, डी फेसबुक। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्विटर ने चीन के 4302 फर्जी न्यूज अकाउंट बंद कर दिए हैं। ये देखिए चाइना के लोग हैं, फर्जी न्यूज अकाउंट बंद करने के कारण ये सब रोड पर आ गए हैं। प्रश्न 9 है, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की किस कंपनी पर 4.70 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए दिया गया है BMW हीवी इंडस्ट्रीज, बी महिंद्रा हीवी इंडस्ट्रीज, सी हुंडई हीवी इंडस्ट्रीज, डी होंडा हीवी इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, हुंडई हीवी इंडस्ट्रीज। ए हुंडई हीवी इंडस्ट्रीज का लोगो है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि हुंडई हीवी इंडस्ट्रीज का लोगो क्या है, तो उसका फिगर दिया रहेगा, आपको वहाँ से बताना होगा। क्वेश्चन 10 है, ब्रिटेन की कौन सी ट्रेवल कंपनी दिवालिया हो गई है। ऑप्शन ए है इमिरेट्स, बी वर्जिन अटलांटिक, सी ब्रिटिश एयरवेज, डी थॉमस कुक। थॉमस कुक ट्रेवल की कंपनी है जो कि दिवालिया हो गई है। ये थॉमस कुक कंपनी का जेट एयरवेज है। यह कंपनी के दिवालियापन हो जाने के कारण 22,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रश्न 11 है, सभी कामों के लिए एक पहचान पत्र बनाने का निर्णय किसने लिया है। आईडी कार्ड, सभी काम के लिए मल्टीपर्पज के लिए आईडी कार्ड बनाने का निर्णय। ऑप्शन ए दिया गया है राजनाथ सिंह, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अमित शाह। अमित शाह ने 2021 की जनगणना में मल्टीपर्पज आईडी बनाने का निर्णय लिया है। देखिए मल्टीपर्पज कोई भी काम होगा एक ही आईडी के आधार पर होगा, तो देखिए जैसे आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, एक मल्टीपर्पज आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।